अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शासन और आप देख रहे हैं श्रृंगार। श्रृंगार मैंने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फलसनिंग करने की सोच रहे हैं और आप कन्फ्यूज हैं कि हम जिप्सम बोर्ड यूज करें या पीओपी की सीट यूज करें, तो आइए हम आपको बताते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक सिलिंगार। सिलिंगार में आपका फिर से स्वागत है। आप फॉल्स नहीं करने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि हम जिप्सम बोर्ड यूज करें या पीओपी की सीट यूज करें, तो कंफ्यूजन होगा ही। इतने सारे वैरायटी और इतने सारे ब्रांड जो हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पीओपी सीट की ना तो कोई ब्रांड है और ना ही कोई वैरायटी है। इसे लोकल कारखानों में अपने मुताबिक ही ढाला जाता है, बनाया जाता है। इसकी नॉर्मल साइज़ जो है 3x2 और 4x4 की होती है, आधा इंच की मोटाई होती है। और इसे मजबूती देने के लिए सीमेंट की जो गोनी और बोरी होती है उसका धागा डाला जाता है, कहीं कहीं नारियल का धागा और फाइबर का धागा भी डाला जाता है। और इसकी एज की बात करें तो ये कम से कम 25-30 साल आराम से चल जाता है। और इसकी जो मजबूती की बात करें तो थोड़ा बहुत पानी गिरने से भी ख़राब नहीं होता और सीलन या नमी की वजह से भी ख़राब नहीं होता है। और इसकी बदकिस्मती ये है कि अब इसे कोई यूज ही नहीं करना चाहता, कोई कारीगर इसे अब इस्तेमाल ही करना नहीं चाहता। और इसकी वजह यह है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, माल वेस्ट बहुत होता है और इसमें कचरा बहुत गिरता है। इसीलिए अब जिप्सम बोर्ड ज़्यादा काफ़ी ट्रेंड में है, ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है, उसे हर जगह भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता, वक्त नहीं लगता, इसमें काम बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि पानी से दोनों ही ख़राब होता है, थोड़ा बहुत पानी गिरने से या सीलन या नमी की वजह से पीओपी सीट ख़राब नहीं होती है। अगर 1-2 साल भी ऐसा हो जाए तो वो भी ख़राब नहीं होता है। अगर जिप्सम बोर्ड की बात करें तो ये थोड़ा बहुत नमी या सीलन की वजह से ही ख़राब हो जाता है, थोड़ा बहुत पानी गिरने से भी ख़राब हो जाता है। नमी सीलन की वजह से कम काले पड़ जाते हैं, फफूदे पड़ जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाता है। मगर यह ज़्यादा काफ़ी ट्रेंड में है और इसकी जो नॉर्मल साइज है वो 4x6 की है, आधा इंच की मोटाई होती है। ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है। इसकी खास वजह यही है कि इसमें टाइम नहीं लगता है, काम जल्दी हो जाता है और कचरा भी कम गिरता है। हम अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो पीओपी की सीट जो होती है वो जिप्सम सीट से कम काफ़ी सस्ता पड़ता है, 10 से 20 रुपये सस्ता पड़ जाता होगा। मगर जिप्सम बोर्ड कौन सी अच्छी होती है, इसमें तो बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे क्वालिटी होते हैं। इसके कंपनी भी बहुत हैं, ब्रांड भी बहुत हैं, जैसे कि जिप्सम इंडिया हो गया, लजिफ हो गया, ओमान हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी हैं। हालांकि आप ऊपर देख सकते हैं इसमें फ़ोटो में, इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊँगा कि इस ये जिप्सम सीट में कौन सा सीट बेहतर होता है, वो अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।